Very good evening guys, welcome to the Resham IAS Academy YouTube channel. So in this article of Project Syndicate guys, we have to talk about, aap dekh sakte hain title mein baat aa rahi hai, how the Ukraine war could end in peace. Aur aapko thumbnail mein bhi dikha hoga ki kya koi possibility hai, aur wo kehna bhi yahi cha rahe hain ki kaise wo aapka peacefully end ho sakta hai, ya is there any possibility or not. To chaliye kuch dekhte hain, let's see if we can get anything. सो मोर देन अ ईयर आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, क्योंकि जो डेट थी गाइज हमारी फेब 24 2022 को जो है अटैक था रशिया के द्वारा, तो आज आप देखिए कि इट्स April 4th, तो ऑब्वियसली एक साल से ज़्यादा हो गया. सो मोर देन अ ईयर आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, अ स्टेबल पीस रिमेन्स मोर लाइकली देन मैनी कमेंटेटर्स सीम टू बिलीव. In fact, not only could Russia itself bring an end to the war, but there are steps that the Europeans and Americans can take to make that outcome more likely. तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि रशिया खुद भी शायद ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकता है, या फिर वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो खुद ही वॉर को जो है एंड कर सकता है. और इतना ही नहीं, देर इज़ समथिंग दैट यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स कैन डू कलेक्टिवली टू ब्रिंग पीस इन यूक्रेन. सो लेट्स सी गाइज क्या प्रॉबिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की. आफ्टर 9 years ऑफ वॉर एंड 1 year ऑफ इंटेंसिफाइड फाइटिंग फॉलोइंग रशियाज फुल स्केल इन्वेजन, यूक्रेन्स फ्यूचर रिमेन्स मर्की. इन द वेस्ट द करंट डिबेट इज फोकस्ड लार्जली ऑन द मैटर ऑफ वेपन्स शिपमेंट्स टू यूक्रेन. जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एग्रीड टू सप्लाई मॉडर्न टैंक्स that they had previously withheld, but now Ukraine is also asking for longer range missiles and fighter jets. So there is no consensus on this aspect. Some fear that supplying jets and other weapons with an offensive capacity could risk escalation or provoke a nuclear response from the Kremlin, jabki others, beholden to former United States President Donald Trump's brand of nativist isolationism, jo kehte hain ki America ko इन सब वॉर से कुछ नहीं चाहिए, आर क्वेश्चनिंग कि वाई वेस्टर्न टैक्सपेयर्स शुड पे फॉर यूक्रेन्स डिफेंसेस. सो एज दीज डिबेट्स ग्रो मोर डिवाइसिव ओवर टाइम, दोज हु बिलीव द वॉर मस्ट बी फॉट विल ऑल्सो हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट हाउ इट कुड एंड शुड एंड. क्योंकि ऑब्वियसली इन द फ्यूचर, और ख़ास करके अगर हम अभी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की इंडिक्टमेंट की अगर बात करें, तो डेफिनेटली वहाँ के लोग अब दोबारा फिर से एक बार इस बात के ऊपर उठ रहे हैं कि वेदर ही शुड बी द वन हु शुड बी हेडिंग द रिपब्लिकन्स इन 2024 हमारे इलेक्शंस, या फिर हम किसी और की वेट में हैं. तो डेफिनेटली दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर. सो विल दिस बी अनदर एंडलेस वॉर, और माइट इट एंड इन अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट विद अ डीमिलिटराइज्ड जोन, और इवन इन अ जेन्युइन स्टेबल पीस. So the probability of each outcome is hard to assess. The endless war scenario follows from the common assumption that the future is mostly a continuation or extrapolation of the past. तो उसकी जो बात है वो तो फिर इसी तर्ज के ऊपर हो सकती है कि जो पास्ट में आपने किया है डेफिनेटली वही आपका आगे जो है आएगा. सो इफ द वॉर हैज़ बीन द केस अराउंड, देन डेफिनेटली द फ्यूचर इज अनसर्टेन और मर्की एज दे हैव सेड. But while this is often true of normal life, emergencies and exceptional states tend to be punctuated by abrupt paradigm shifts and tipping points. बात ये भी सच है कि कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई बेंच मार्क ऐसा क्रिएट ज़रूर होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है सम काइंड ऑफ बिल्कुल एब्रप्ट एटीट्यूड. सो वुड बी रियलिस्ट जो हैं फेवर द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन. Former Secretary of State Henry Kissinger and the Chinese leadership have both proposed versions of a demilitarized zone, but this pragmatic option has no political traction, and those pushing for it will conveniently blame ideology when it inevitably fails. ये तो बात वाकई है. अगर हम देखें कि जो लोग आज की डेट में आपके रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनके टिपिंग पॉइंट को देखें, उनको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे दिस हैज़ टू एंड बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्टिन्यूएशन फॉर इट. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न डे पीपल हु आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इट, या जिन्हें लग रहा है कि
नहीं ये तो टेरिटोरियल जो है वो वायलेशन है। जैसे यूक्रेन की बात ही अगर हम करें, दे आर मोर ऑफ दी ओपिनियन कि अब तो हमें सिर्फ यही नहीं कि जो डॉनबास का इलाका उनके नीचे है, बट दे वांट कि जो प्री 2014 सिचुएशन थी यूक्रेन की, दे वांट टू गेट बैक टू दैट। सो अ स्टेबल पीस इज़ मच मोर लाइकली देन मैनी कमेंटेटर्स सीम टू बिलीव। वेल नॉट ओनली कुड रशिया इट्सेल्फ ब्रिंग एन एंड टू द वॉर, बट देर आर स्टेप्स दैट यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कैन टेक टू मेक दैट आउटकम मोर लाइकली। अब हमें यही देखना है दैट हाउ दीज प्रोबेबिलिटीज कैन कम टू लाइट। वेल हिस्ट्री ऑफर्स एम्पल एविडेंस, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रशियन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ मिसमैनेज्ड एंड इल कंडक्टेड वॉर्स can destroy the political establishment, create instability, compel reforms and ultimately produce regime change। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि there are examples from the history। वही जो बात हम अक्सर कहा करते हैं, एक हमारे पास होता है wars of necessity कि आपके ऊपर वॉर जो है वो थोप दी गई है, अब there is no other chance but you have to fight। और एक हम political science में बात करते हैं wars of choice। अब ये आपको देखना है कि क्या हम ये वॉर ऑफ द चॉइस को कितना प्रोलॉन्ग्ड करते हैं, कितना प्रोट्रैक्टेड इसे बना के रखते हैं और अपना फ्यूचर और अपनी ट्रेजरी दोनों जो हैं दाव पे लगाते हैं। और अगर वॉर ऑफ नेसेसिटी होता तो बात कुछ और थी। अब जैसे यूक्रेन के लिए हम अक्सर बात करते हैं ना कि यूक्रेन के सोल्जर्स में और रशियन सोल्जर्स में जो एक सबसे बड़ा इशू है कि क्यों वो लोग आपके ज़्यादा बेटर जो हैं वो रशियंस के कंपैरेटिव ऑफ़र हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी मॉरल सपोर्ट। आपको देखना होगा कि यूक्रेनियंस जिस वजह से लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं वही वजह रशियंस के लिए नहीं है। रशियंस आपके गए हैं फॉर द ऑफेंसिव सेक, पर यूक्रेनियंस आपके लड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड। तो वो जो एक मॉरल सपोर्ट है, वो जो एक मॉरल सेंटिमेंट है उनके दिलों में, वो उसी एक गोली को या उसी एक वेपन को या उनके डिटर्मिनेशन को और भी ज़्यादा लीथल बना देता है। वही बात कि वॉर्स ऑफ द चॉइस या वॉर ऑफ नेसेसिटी। सो इट वॉज रशियाज डिफीट इन द मिड 19th सेंचुरी क्रीमियन वॉर दैट लेड ज़ार अलेक्जेंडर सेकेंड टू इनैक्ट वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द एबॉलिशन ऑफ सर्वडम। ये बात 1854 से लेके और 1857 के आसपास की कर रहे हैं जो क्रीमियन वॉर्स आपके हुए थे। और बाल्कन क्राइसिस का इशू भी मैं तो कहूँगा कि जो हालांकि बहुत आगे चल के सरफेस किया था, पर हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इट वॉज दी यूक्रेनियन वॉर बेसिकली जिसने पूरे बाल्कन के अंदर एक ऐसी आग लगाई थी जो आपको 19th सेंचुरी के लास्ट के सालों में जाते तो देखने को मिली ही, पर वर्ल्ड वॉर वन का ट्रिगर भी आप देखिए वहीं से आया। वो जब ग्रेटर सर्बिया की बातें होने लगी, वही जो बाल्कन क्राइसिस रहा आपका वो उसी की वजह से ही था। उसी तरह उन्होंने कहा, रशियाज़ डिफीट बाय जापान इन 1905 लेड टू अ रेवोल्यूशन एंड द फाउंडिंग ऑफ द ड्यूमा एंड वर्ल्ड वॉर वन वॉज इवन मोर कॉन्सिक्वेंशियल, डिस्ट्रॉइंग फर्स्ट द ज़ारिस्ट मोनार्की इन 1917, अक्टूबर 1917 जानते हैं आप, एंड देन द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ अलेक्जेंडर केरेंस्की। डेफिनेटली कि सबसे पहले तो बात फेब रेवोल्यूशन की हुई, हमारे दो रेवोल्यूशंस रहे हैं 1917 के अंदर, फेब 1917 का, और उसके बाद में जब आपने देखा कि उनकी सो कॉल्ड मेंशेविक्स की जो गवर्नमेंट थी जब वो भी आपके पावर में नहीं रह सकी, तो तब जाके बॉल्शेविक्स ने आके कुछ महीनों के बाद अक्टूबर 1917 में उनको भी ओवर पावर जो है कर लिया। द सोवियत यूनियंस डिजास्ट्रस वॉर इन अफगानिस्तान ऑफ 1979 provoked protest from the mothers of dead soldiers and ultimately was a precipitating factor in the country's disintegration after 10 to 11 years, जिसकी शुरुआत 1989 में हम कह सकते हैं और 91 में finally that led to the disintegration of Soviet Union. So in his novel August 1914, the Soviet dissident Alexander Solzhenitsyn कह सकते हैं draws a lesson from the Tsars to castigate the Soviets. Could the country squander this reserve of spontaneous patriotism? Asks his protagonist, जो कि एक visionary थे, एक dynamic mid-level officer थे. It could, उन्होंने कहा, from the very first days of the war, the generals had begun pouring it down the drain. And obviously the same message applies to today's Putinist as well. वही जो मैंने आपको कहा, क्या वो अपने फ्यूचर और क्या वो अपने ट्रेजरी दोनों को दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं,
एंड इफ दे फील दैट येस दे कैन डू इट वेल दैट्स द चॉइस दे हैव टू मेक बिकॉज दैट वुड नॉट लीव द रशियंस वेयर दे आर एंड डेफिनेटली 2022 के फेब 4 में जो रशिया आपका इकोनॉमिकली या फिर आपका जियोपॉलिटिकली अपने आप को देखता था और डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा नीचे होने वाला है. So the peace scenario need not involve anything like what happened in Berlin in 1945 or Baghdad in 2003 when foreign soldiers entered the capital to depose the dictator. Jabki Russia's own episodes of self-transformation have come when ordinary Russians stood up to denounce their rulers' incompetence, venality and immorality. Aur aisa nahi hai ki Russians is baat se koi बहुत दूर हैं. डेफिनेटली उनके इतिहास में ऐसा एक बार नहीं दो तीन बार हो चुका है जब उन्होंने अपने सो कॉल्ड मॉरल ग्राउंड्स को ऊपर रखते हुए इस बात के खिलाफ लड़ाई की है. बट वेदर अ सस्टेनेबल पीस कैन बी अचीव्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वे द वॉर एंड्स बट ऑल्सो ऑन वट हैपन्स इमिडिएटली आफ्टरवर्ड्स विद रशियन फोर्सेज हैविंग डेलिबरेटली टारगेटेड यूक्रेनियन सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. There will be demands for reparations to help pay for reconstruction. ये तो obvious है. So many prominent officials, including European Union leaders, have called for Russia's frozen central bank assets to be used for this purpose. And others would like to go after the assets of oligarchs who have aided or failed to resist Russian President Vladimir Putin's war machine. So these ideas all merit consideration. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है. It may indeed be appropriate to penalize individual Russians provided that they are held accountable through a properly constituted judicial inquiry such as an international court or preferably a Russian one. Obviously, हमने एक आर्टिकल में देखा भी था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आपका अरेस्ट वारंट इशू कर भी दिया है व्लादिमीर पुतिन के लिए. But it would be unjust and counterproductive to lasting peace if the victors seized Russian state assets unilaterally. वाकई अगर मतलब ये मैसेज उनको जाएगा ही नहीं कि अगर वॉर क्राइम्स के बाद या इस जीनोसाइड के बाद उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स अगर नहीं होंगे सो डेफिनेटली ये तो फिर पूरी दुनिया के जो और आपके रिवेंचिस्ट हैं उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी कि हाँ ठीक है वर्ल्ड डजंट डू आफ्टर दैट एनीथिंग. कुछ भी उसके बाद होता नहीं है. आप टेरिटोरियल सॉवरेनिटी किसी की वायलेट करो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाओ एंड देन आफ्टर दैट बस ठीक है कुछ नहीं होगा. नहीं, एक प्रेसिडेंट तो हमें सेट करना ही होगा इस मॉडर्न डे 21st century के लिए दैट दोज वुड बी अगेंस्ट द सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बट डेफिनेटली नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस. तो आगे लिखा है उन्होंने, those resources are technically the property of the Russian people and they will be needed to build a new Russia that is no longer dependent on Putinomics mix of hydrocarbon exports and militarism. Aur wahi baat ki ye to ek dekhiye choice hai that Russians have to make now. So post 1919 Germany offers a well known example of what to avoid. Kya nahi karna hai, क्योंकि वीमर रिपब्लिक जो बनाया गया था 1919 के बाद, जब ट्रीटी ऑफ द वर्सले के बाद जब जर्मनी के अंदर रिपब्लिक बनाया गया, तो उन्होंने लिखा है कि वीमर्स रिपब्लिक फेट वॉज सील्ड द सेकेंड दैट इट साइंड अ पीस ट्रीटी कमिटिंग इट टू पे रोइनियस फाइनेंशियल रेपरेशंस. तो अगर आप रशियंस के ऊपर ही इस कदर जो है अगर अपनी कोस्ट को इम्पोज करोगे सो डेफिनेटली हमें उसका आंसर पता है कि 1919 में जर्मनी के साथ जो हुआ 1939 में जर्मनी वो रेडी था टू टेक बैक द रिवेंज. तो हमें ये नहीं करना कि आज की डेट में फिर वो चाहे 2023 में हो या 2024 में हो कि जो रशिया के साथ होगा दैट शुड नॉट बी आई शुड से अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रशियंस टू कम बैक अगेन. सो इन प्रैक्टिस हम कह सकते हैं दिस मेंट दैट द न्यू जर्मनी वॉज एटोनिंग फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड जर्मनी. डेमोक्रेट्स वर पेइंग फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय काइजर विल्हेम. जबकि रशियन डेमोक्रेट्स टुडे शुड नॉट हैव टू पे पुतिन्स बिल. एंड डाउन दैट रोड लाइज अ रिपीट ऑफ द 1990s मिलिटरिज्म एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट रशियाज बिट्रेयल एंड ह्यूमिलिएशन. वही बात कि हम वाकई ये नहीं चाहते कि अगर मॉडर्न डे रशियंस दोज हु आर नॉट अलाइनिंग विद एनी ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द पुतिन दे शुड नॉट पे फॉर द डैमेजेस दैट ही हैज़ कॉज्ड पर्सनली. सो रिकंस्ट्रक्शन डिबेट्स आल्सो मस्ट अकाउंट फॉर द हाईली पोलराइज्ड ग्लोबल रिस्पॉन्स टू रशियाज वॉर.
China, India, South Africa, and 29 other countries abstained in the latest United Nations General Assembly vote to condemn Russia's invasion. So among their principal objections to offering unconditional support for Ukraine is that many other victims of war and injustice around the world have been neglected or forgotten. So when it comes to Russia versus Ukraine, because that's not somehow it is Russia versus Ukraine, it is West versus Ukraine. तो हमारे इन कंट्रीज़ का एब्सटेन होके ये भी कहना है कि व्हाट अबाउट दोज पीपल एंड व्हाट अबाउट दोज सिविलियंस जो बुचर्ड हो गए बहुत बुरी तरह या जहाँ पे जिनोसाइड हुआ, तो फिर यही बात वहाँ पे क्यों नहीं हुई. सो व्हाट इज़ नीडेड देन इज़ अ मोर जनरल फ्रेमवर्क फॉर रीबिल्डिंग सोसाइटीज डिवेस्टेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस शुड रिजेंबल द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड अप्रोच विच इस्टैब्लिश्ड द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन नवंबर 1943 वेल बिफोर द अलाइड विक्ट्री. सो इफ द एंड ऑफ द वॉर इन यूक्रेन इज सीन एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ग्लोबल प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इन्वेजन एंड वायलेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड देन इट इज़ मोर लाइकली टू विन द वर्ल्ड सपोर्ट. And Russians too would come to see that there are much better alternatives to Putinism. So ये एक बहुत ही बेहतरीन सा आर्टिकल गाइज हमारे पास कि how the Ukraine war could end in peace. और ना सिर्फ इन्होंने ये कहा that how the Ukraine war could end in peace, they have also showed us that how the Ukraine war has to end in peace. And definitely there are some of the options that they have showed us that what needs to be done in order to secure the global order that we are really willing to have. So that's the article we have guys, and I hope you have liked it. So as usual guys, agar aap naye hain channel ke upar, then do consider subscribing the channel. Agar abhi tak aapne nahi subscribe kiya hai aur aapko agar analysis pasand aa rahe hain guys, to aap zarur subscribe kijiye, sawal bhi kijiye, comment kijiye, aap apna feedback zarur bataiye aur like bhi kijiye video ko. So thank you so much for watching guys, we'll see you in the another video. Take care guys.